नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। भर्तियों को लेकर हरियाणा में सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में चली भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। अब जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे जारी नहीं होंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। यह शिकायत थी 5600 पदों पर कांस्टेबल और 76 टीजीटी और पीटीआई के पदों पर भर्ती के रिजल्ट को लेकर। चुनाव आयोग का आदेश आते ही बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अब चुनाव सामने देखकर चुनाव की घोषणा के दिन हरियाणा के युवाओं को बहकाने के लिए भर्तियां निकाली गई, जो सिरे चढ़नी ही नहीं थी। आज जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता की याद दिलाई तो युवा विरोधी सरकार को युवाओं की याद आ गई। उधर बीजेपी कह रही है कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। यह खिलवाड़ कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश विरोधी कांग्रेस अब हरियाणा विरोधी बन गई है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। उधर हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी पोस्ट कर लिखा गया, हरियाणा के युवा कृपया ध्यान दें। एक बार फिर कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस सांसद ने हरियाणा में जारी होने वाले लगभग 5700 भर्तियों के रिजल्ट के खिलाफ गहरी साजिश रचकर उन पर रोक लगवा दी है। कांग्रेस ने भर्तियों के रिजल्ट पर नहीं बल्कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर रोक लगाई है। लेकिन हरियाणा की जनता सब कुछ समझ रही है, वो एक बार फिर इस भर्ती रोको गैंग को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो बड़ा मसला है, चुनाव है और सभी सियासी दल मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और अपने पक्ष में मुद्दे को करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नवीन गौड़ जी भी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विधु जी, आपके पास आना चाहती हूं। आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस का एक्टिव हो गया है और ये जो भर्ती रुकवा दी है ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस इस पर दलील दे रही कि आप चुनावी फायदा उठाने के लिए हथकंडे अपना रहे थे। सुदेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से नेटवर्क 18 देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी जी, देखिए आपका ये कहना कि भर्ती रोको गैंग एक्टिव हो गया है, ये सच नहीं है। भर्ती रोको गैंग पिछले 10 साल से एक्टिव है और निरंतर हर प्रकार से रोड़े अटका रहा है हरियाणा के युवाओं की नौकरियों के ऊपर। किस प्रकार से प्रयास करते हैं उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, सालों साल कोर्टों के अंदर मामले लटकवाते हैं और उसके बाद मुंह की खा कर आते हैं। ध्यान करने वाली बात यह है, अब तक एक भी भर्ती जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की वो रद्द नहीं करवा पाए, एक भी भर्ती। जबकि खुद जो है ये भर्ती रोको गैंग कौन है, ये कांग्रेस के नेता हैं जो वकील का जो है चोला लिबास ओढ़कर जो है कोर्टों में खड़े होते हैं और हरियाणा के भविष्य के खिलाफ, हरियाणा के युवाओं के खिलाफ वहां पर उल जुलूल बातें करते हैं जिनको कोर्ट जो है फाड़कर फेंक देता है। लेकिन समय नष्ट करते हैं ये हरियाणा का और ये अपनी सरकार के दौरान एक के बाद एक इनकी भर्तियां रद्द हुआ करती थी। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट बता सकता हूं किस प्रकार से इनकी जो है भर्तियां कोर्ट के अंदर रद्द होती थी और कोर्ट टिप्पणी करता था, वन मैन शो, किस प्रकार से लाला की दुकान। ये टिप्पणियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। लेकिन अपनी सरकार के दौरान जहां पर पर्ची और खर्ची के ऊपर जो है नौकरी देते थे, जहां पकड़े जाते थे और फिर भर्तियां रद्द होती थी, वहीं ये लोग बाज नहीं आ रहे कि गरीब को हरियाणा में भाजपा की सरकार ने किस प्रकार से कल्चर बदल कर जो है उनको नौकरियों का अधिकार दे दिया।
गरीब की नौकरियां क्यों लग रही हैं, हर प्रकार से प्रयास करते रहे, लेकिन एक के बाद एक इन्होंने मुंह की खाई है और निश्चित तौर पर ये बारंबार और भविष्य में भी मुंह की खाते रहेंगे, लेकिन देश के सामने, प्रदेश के सामने, प्रदेश के युवा के सामने जो है ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के भविष्य के खिलाफ आज खड़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, उम्मीद करेंगे जल्द ही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएं, जो आरोप लगाए तो सीधा जवाब तो वही दे पाएंगे। अजय गुलिया जी जेजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अजय गुलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल भी आपसे है अजय गुलिया जी, बीजेपी कांग्रेस में भर्तियों पर जो सियासत हो रही है, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस का नहीं चाहता कि भविष्य सुधरे हरियाणा के युवाओं का। कांग्रेस कह रही है कि आप इस वक्त में भर्ती कर रहे थे, आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे, आप युवाओं को बरगला रहे थे, भ्रम पैदा कर रहे थे और इसका फायदा चुनाव में उठाना चाहते थे। आप लोगों का क्या टेक है इस पर? देखिए, हम एक चीज मानते हैं कि अगर ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए टाइमिंग पे तो सवाल है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं था कि चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और उसके बाद इस प्रकार से कोई कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा? तो ये प्रोएक्टिव, देखिए आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए था। सरकार का काम क्या होता है? सरकार लोग चुनते हैं जनहित के फैसले लेने के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो सरकार को प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए था। सरकार, देखिए दो चीजें, या तो इसमें सरकार की चूक है, सरकार को ज्ञान नहीं था। अगर सरकार को ज्ञान था तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सही बिल्कुल चुनाव के समय इस प्रकार की भर्ती निकाल करके और लोगों को भर्ती करके वो चुनावी लाभ लेना चाहते थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज मानता हूं, देखिए अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों का इससे भला हो रहा था और कोई राजनीतिक दल लाभ ले रहा था तो उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इससे अंत में महंगा किसको पड़ा, खिलवाड़ किसके साथ हुआ? हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ हुआ ना, जो भर्ती होना चाहते थे। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जब ये भर्तियां कैंसिल हो गई या कोर्ट की इन पे रोक आ गई, चुनाव तक आ गई, तो बहुत से लोग प्रभावित हुए, वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नुकसान हुआ। इससे दो ही चीजें हैं, या तो सरकार की मंशा ये थी कि चुनाव के समय में इसको करा करके राजनीतिक लाभ ले। अरे राजनीतिक लाभ लेना था तो इसको आप प्रोएक्टिव होते। आपने तो वो हमेशा कहते हैं ना कि राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में नुकसान किसका कर गए? हरियाणा प्रदेश के लोगों का। नवीन गौड़ जी, क्या आपको भी ये लगता है कि ना बीजेपी को नुकसान हुआ है ना कांग्रेस को, बल्कि हरियाणा के युवा जो रोजगार का इंतजार कर रहे थे कि भर्तियां निकले हमें रोजगार मिले, उनको नुकसान हुआ है? डेफिनेटली ये लगता है, और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं और आपको और आपके जो हमारे जो पैनल साथी हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के कहना नमस्कार। केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से, दर्शकों को बता दें आपके पास रहेंगे। केवल जी, जी नवीन, अपनी बात पूरी कीजिए। जी नमस्कार। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे है पूरे देश के अंदर। इसके साथ साथ मैं एक और मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ, ना केवल बेरोजगारी परंतु हरियाणा के युवाओं का जो शोषण पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करा है, मैं उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में अक्टूबर में एक वैकेंसी निकाली जिसमें 7500 लगभग अपॉर्चुनिटीज थी उन वैकेंसीज में। 7500 लोगों की भर्ती निकाली। 7500 लोगों की भर्ती जब निकाली तो ना तो उसमें कच्चा पक्का लिखा, ना सैलरी लिखा, ना कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है। उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्जाम होता है, पहला एग्जाम होता है, उसके बाद टेक्निकल एग्जाम होता है, फिर लड़कों की भर्ती कर ली जाती है और लड़कों को ऑफर लेटर भेजा जाता है मार्च 2024 में। जब लेटर भेजा जाता है, उस लेटर में जो सैलरी लिख के दी जाती है वो 6000 रुपए। CPLO की जो तनख्वाह लिख के इन्होंने दी ऑफर लेटर के अंदर, वो रेन्यूमरेशन जो लिख के दी वो 6000 रुपए। मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की जो मिनिमम स्टेट वेजेस है किसी भी सेगमेंट की, चाहे आप वो रिटेल की रख लो, चाहे आप वो ITIES की रख लो, चाहे वो बैंकिंग की रख लो, चाहे वो लेबर क्लास की, किसी भी सेगमेंट की जब आप मिनिमम वेजेस देखोगे, मिनिमम जो स्टेट मिनिमम वेजेस है किसी भी सेगमेंट की जब हम कंसीडर करते हैं तो लगभग 10000 रुपए के आसपास है। अब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हरियाणा के नौजवानों को, जो लड़के डेटा एंट्री का काम करते हैं, जो लड़के क्लरिकल काम करते हैं, जो लड़के सरकार की नीतियों तक को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको 6,000 रुपए रेन्यूमरेशन पे उनका शोषण करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह तुम्हारा जो फोटो पीछे लाए हुए है ना जेल में भर्ती, यही है तुम्हारा। अरे तुम राजनीति के लायक नहीं हो, राजनीति के लायक नहीं। बताओ ना पंजाब में क्या दे रहे हो, हमारे मुंह पे दिखाओ। बोलो कि हम 16,000 रुपए दे रहे हैं, बोलो कि 16,000 रुपए दे रहे हैं, 4,200 रुपए दे रहे हैं लोग सीपीएलओ में, 4,200 रुपए दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बात कर लेते हैं, और ये तो जनता दरबार में पहुंच गई। अब तो बात ही कुछ नहीं रही, चुनाव आ गए हैं। चुनाव में जनता तय करेगी कि कौन सच है, सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। केवल ढींगरा जी, केवल नवीन जी आपके पास आएंगे, केवल ढींगरा जी को जोड़ना चाहती हूँ इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी, बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि देखिए आपका काम ही यही है कि आप तो रोजगार ना देते हो, और कोई देना चाहे तो आप उसमें रोड़ा अटकाते हो। भर्ती रोको गैंग है जो पिछले 10 साल से एक्टिव रहा है, और ऐसे वक्त में जब रोजगार मिल रहा था करीब 7,000 5,600 5,700 युवाओं को, तो आप रोक रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलने दिया आपने। 10 साल में इस सरकार ने रोजगार जनता का छीना है, इसीलिए सरकारी 2 लाख पर भर्ती जो है वो पेंडिंग पड़ी है। ये शरारतपूर्ण तरीका है। ये जो गुजरात मॉडल लॉन्च कर रहे थे ना, ये फेल हो गया इनका। यहां HKRN फेल हो गया, यहां गुजरात मॉडल फेल हो गया, गुजरात की कहानियां सारी फेल हो गई। ये कंट्रेक्चुअल जो है ना, जे दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं ना, हर क्लर जो भी जिसको भी लगाने की काम करते हैं कि इसको काम दे दिया, काम नहीं दिया उसको दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं। आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना था। आज करीबन 37 पेपर इस सरकार के अंदर 10 साल में लीक हुए, तो वो क्यों हुए लीक? इस वजह से लीक हुए क्योंकि पक्की नौकरी देना नहीं चाहते थे आप, सिर्फ जो है लोगों को दिहाड़ीदार मजदूर बनाना चाहते थे, वही काम कर रहे थे, इसीलिए सरकार जो है फंस गई। और मुझे ना अपनी इको हो रही है, आवाज डबल डबल सुन रही है। चलिए अब हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसको बताना चाहता हूं, ठीक करें। जी जी विधु जी, आरोप आप पर है कि 37 के करीब तो पेपर लीक हो गए थे, आप तो रोजगार दे नहीं रहे थे। बात यह कि ये असल में ये बताए कि अभी जो ये मुद्दा है भर्तियों को लेकर, रिजल्ट रोक दिया है कि चुनाव होते होते तक तो आप नहीं रिजल्ट घोषित कर सकते, इससे सीधा नुकसान सबको मालूम कि युवाओं का हो रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीति क्यों? फिर यही सवाल है कि राजनीति क्यों? और अभी भी इतने सुधर नहीं रहे, इतनी बुरी परसेप्शन है हरियाणा के युवाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी की, उसके बावजूद सुधर नहीं रहे, उसके बाद सोच रहे हैं फिर छल लेंगे। ये सोचते हैं, युवाओं को समझ नहीं आती चीजें। अरे बहुत जागरूक, तुम कुछ तो शर्म करो बीच में, इनको ये कुछ ये बदतमीज आदमी को, इतनी बेईमानी तो तुमने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, आदमी को चुप करवाओ, इतनी बेईमानी तो तुम कर रहे हो, इनको चुप करवाएंगे आप? बेईमानी, क्या मैं अपनी बात कर सकता हूं? नवीन जी, एक एक नवीन जी, आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आपको मौका दे रहे हैं, एक बार सुनिए। अगर आपको लगता है उनकी बात में आपको किसी चीज को लेकर आपत्ति है तो आपको मौका दिया जाएगा। मेरा सवाल है, उसका जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते कि युवाओं को तो नुकसान है। आप इस बात पर, सुदेश जी आपने इनको बोला जब ये मुझे इंटरप्ट कर रहे थे, नहीं इंटरप्ट कर रहे थे, सुदेश जी आपने मुझे रोका जब ये मुझे इंटरप्ट कर रहे थे,
केवल ढींगरा जी, जब तक आप अपने इको जो खराब आपको इको मिल गया, आप उसको ठीक करवाइए, आपके पास आएंगे। आप झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो जी, जनता को लूट। एक बार सुदेश जी ये बकवास को बंद करवाइए। नवीन आप के पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी नवीन जी नौजवानों के साथ नवीन जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। देखिए किसी एक के लिए चर्चा, एक के लिए डिबेट नहीं रखी। देखिए सबको सबको बराबर मौका मिलेगा। आप थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा सब्र रखिए, समझाइए, ये चर्चा ठीक से होने दीजिए। युवाओं के हक की बात हो रही है यहाँ पर, राजनीतिक मोड़ कैसे नहीं। नवीन जी फिर म्यूट करना पड़ेगा आपको, आपको म्यूट करना पड़ेगा, बिना टाइम वेस्ट किए इनको म्यूट करना पड़ेगा ताकि डिबेट हो जाए। ये विदु जी प्लीज इनको म्यूट कीजिए। विदु जी जी बोलिए, विदु जी आप बात देखिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि एक एक कर बात रखिए, आपको पूरा मौका बराबर मौका दिया। सुदेश जी, सुदेश जी मैं कभी बुरा नहीं मानता अगर कोई मेरे बीच में बोलता है, अगर वो फैक्चुअल बात बोल रहा हो। आप नोट कीजिए इस व्यक्ति ने क्या, मुझे इंटरप्ट करते हो क्या बोल रहा है, केवल आक्षेप लगा रहा है। मैंने इंटरप्ट किया था ये पूछने के लिए कि आपने इस डिबेट के 2 मिनट खर्च कर दिए सीपीएलओ की भर्ती को लेकर। आप साथ साथ बता दीजिए ना हमें, हरियाणा के अंदर 6,000 आप बहुत कम बता रहे हैं, एक बड़ी पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, 6,000 बहुत कम होते हैं। पंजाब के अंदर आप 4200 रुपए दे रहे हैं, केवल इतनी सी बात पूछी थी। ये अगर ऐसा नहीं कर रहे होते, अगर 16,000 दे रहे होते, 26,000 दे रहे होते, 36,000 दे रहे होते तो बता देते ना, मेरा मुंह बंद कर देते। ये मुझे कैसे बंद कर रहे हैं, ये झूठ बोलता है। अरे झूठी बता देना, मौका आएगा मेरा एक कोई झूठ पकड़ के बता देना। आप ही विदु जी मुद्दे पर आइए कि मुद्दा ये है मैं, कि मुद्दे ये मैं रोजगार मिल रहा था चुनाव आयोग की तरफ से, कहा गया शिकायत के बाद कि अभी नहीं, इससे असर पड़ सकता है और किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते किसी एक पक्ष को यहाँ से फायदा हो और दूसरे को यहाँ से नुकसान हो। सीधी सी बात आयोग की तरफ से कही गई, अब इसी को बीजेपी कांग्रेस मुद्दा बना रही है जी। सुदेश जी ये परिपेक्ष में लाना जरूरी होता है कि कोई इंटरप्ट किस लिए करता है, कोई फैक्चुअल पॉइंट पर करता है और कोई रोकने के लिए करता है, दोनों पर। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, जैसे आपने पूछा। इसके साथ साथ हमारे जो साथियों ने जो के अलावा इनके फिर पास बोलने लगा, अरे एक झूठ नहीं पकड़ पाएगा ये व्यक्ति, केवल आपकी डिबेट खराब कर रहा है ये। झूठ बोलते हैं सुदेश जी, फिर ये बोलने लगा लगातार। अब मैं जवाब देने लगा तो ये तय कर देगी नवीन जी, आप जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए। आपके पास मैं जब आऊंगी तब आप बस उन सवालों का जवाब दीजिए, आप एक बार बोलने दीजिए क्योंकि बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। रुकिए, मैं स्वागत करूंगा नवीन गोयल का, मेरा एक कोई झूठ पकड़ ले नहीं तो बदतमीजी ना करे। ये बदतमीजी, ये मक्का, अरे 4200 क्यों दे रहे हो पंजाब में, 4200 क्यों दे रहे हो पंजाब में ये बता दो ना, 4200 रुपए क्यों दे रहे हो पंजाब में ये बता दो ना। फिर हमारे डिस्कशन है हरियाणा पे, अरे तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम यहाँ पर तो किसी और दिन रख लेंगे ना, ये मुद्दा किसी और दिन रख लेंगे। आज जो युवाओं को रोजगार मिल रहा था, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, नहीं मुझे बताओ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ऊपर रहे ना, सीपीएल लोगों को 6,000 रुपए क्यों दे रहे हो आप। चलिए अब दूसरी बात, पंजाब में 4200 दे रहे हो, ये गलत है बात, सुदेश ये गलत है तरीका। मुझे मेरी बात रखने दीजिए, इनको म्यूट करवाइए, इनको म्यूट करवाइए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। विदु रावल हाँ तरीका सिखा दिया तुम्हें, तुम सिर्फ बदतमीजी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बताओ एक झूठ मैंने कहा होगा, मैंने तुम्हारी हवा निकाल दी है, बता कि 4200 रुपए दे रहे हो हरियाणा की जनता के साथ। बेवकूफों को बेवकूफी बोलूंगा, हरियाणा की जनता ये क्या हो रहा है सुदेश जी, इसलिए बुलाया था आप दोनों के पास ही। मैं नहीं आ रही, मैं कांग्रेस के पास जा रही हूं। आप मुझे इन दोनों को म्यूट कर दीजिएगा, इन दोनों को म्यूट कर दीजिएगा, थोड़ा शांत रहिए, सोचिए कि क्या इस तरीके से बहस होनी चाहिए। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझते हैं, आप इस तरीके से बहस करेंगे क्या संदेश जाएगा यहां से, न्यूज 18 के दर्शकों के बीच में क्या संदेश जाएगा कि आप किस तरीके से बहस कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, क्योंकि आरोप सीधा आपके ऊपर है कि भर्ती रुकवा दी भाई, रोजगार मिलना था, अब आप इसका जवाब कैसे देंगे। बीजेपी को तो आप जवाब दे देंगे, युवाओं को जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनको रोजगार मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, अब तो मामला अटक गया ना, उनको क्या जवाब देगी कांग्रेस। देखिए सुदेश जी, हमने क्या रोक दिया, हम तो ओपोजिशन में बैठे हैं, सरकार में तो ये लोग बैठे हैं। हाँ, बीजेपी लेकिन आरोप लगा रही, बीजेपी कह रही भर्ती रोको गैंग है कांग्रेस में। अरे बीजेपी के आरोप से सिद्ध हो गया क्या कि हमने रोक दिया, हमारी तो सरकार नहीं कुछ नहीं, हम तो ओपोजिशन में बैठे हैं, हमारी आवाज का गला घोंट रहे हैं, हमारे को बोलने नहीं दिया जा रहा, हम बात रखते हैं तो रखने नहीं दी जा रही। ये जो सब्जी मंडी बना रहे हैं ना चैनल के बीच में, ये सब्जी मंडी बनाना बंद करें, मुद्दे पे आए। मुद्दा ये है कि इनके पास किया ही कुछ नहीं,
9-10 साल तक जो खट्टर साहब जी को मुख्यमंत्री बनाकर रखा, उन्होंने 37 पेपर लीक करवा दिए हरियाणा के अंदर, भर्ती कर नहीं पाए, तो कसूर तो इनका हुआ ना। और सुनिए, जो ये कह रहे हैं ना कि पेपर लीक हो गए, जो पेपर लीक हुए उनको ना होने देते, भर्ती कर देते, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। असल में ये चाह क्या रहे थे, ये गुजरात मॉडल लॉन्च करना चाह रहे थे। गुजरात के अंदर जैसे डिप्लॉयमेंट स्कीम लेकर के आए, वैसी हरियाणा के अंदर ले आए। वो जो गुजरात की डिप्लॉयमेंट स्कीम थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, लोग फेलियर हैं उससे। आपको इंप्लॉयमेंट देनी चाहिए थी, इंप्लॉयमेंट आपने दी नहीं, अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब तो आपका मामला फेल हो गया ना, अब तो जनता के बीच में है ना, आपका सरकार तो अब गई, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है सब कुछ। आप वो कह रहे हैं कि जो है वो हो नहीं रही, खत्म हो गई। पास दलील ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश गए थे चुनाव आयोग, उन्होंने शिकायत की, शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि अभी रिजल्ट जारी नहीं होगा। चाहे भले चुनाव आयोग ने कहा हो कि इससे असर ना भी पड़ता, तो हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि भाई बीजेपी फायदा पहुंचा रही है, किसी भी तरह का संदेश नहीं देना चाहते, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन ये आरोप तो बीजेपी का है ना कि कांग्रेस के नेता ही तो गए थे भर्ती रुकवाने के लिए। केवल जी, ये झूठे आरोप है, ये झूठे आरोप है। हरियाणा के इलेक्शन कमीशन के पास कोई नहीं गया, और आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये झूठे आरोप मत लगाएं इनको। हम इलेक्शन कमीशन को ना रोकने वाले ना करने वाले, सुनिए सुनिए, ना हम कुछ नहीं करने वाले। हम इलेक्शन कमीशन को क्या करेंगे, उन्होंने अगर भर्तियां जारी करनी कर दे, हम तो मना नहीं कर रहे। लेकिन सवाल यह है कि जितने दिन 9-10 साल मिले, क्या कम थे क्या? खट्टर साहब को क्यों हटा दिया इन्होंने? ये आप और कह सकते हैं, कम से कम ये तो मत कहिए कि आप चुनाव आयोग नहीं गए। सुनिए सुनिए, हाँ। देखिए सुदेश जी, आप मुझे मत रोके, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, खट्टर साहब के पास एक महिला जाती है, वो कहती है मेरे बच्चे को नौकरी दो, तो खट्टर साहब आगे से बोलते हैं आपको चांद पे भेज देंगे। तो चांद पे भेज रहे थे जब इतनी कुटाई कर रहे थे, यहां एक पंचकुला है जहां बॉर्डर बना हुआ है, जो कोई कर्मचारी वहां आता था लाठियों से पीटते थे, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़ते थे, उनकी पिटाई इतनी करी कि वो सड़क लाल है पूरी आज भी, उस इतनी छिलाई हुई कर्मचारियों की कि वो सड़कें लाल हो रखी हैं पंचकुला के बॉर्डर की, मिलते नहीं थे 9-10 साल, और फिर कह रहे हैं कि हमने कर दिया। एक HKRN जो बनाया है, वो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी, वो किसने बनाई? इन्होंने बनाई। इन्हीं के फैसले नायब सैनी उल्टे कर रहे थे, इन्हीं के फैसले। और देखो, खट्टर साहब ने आगे से क्या करवाया, सेंटर गवर्नमेंट से मिलकर के 25 दिन चुनाव पहले करवा दिया। हमने करवाया, इन्होंने ही करवाया। और जब 25 दिन पहले चुनाव हो गया तो भर्तियां तो रुकनी थी, और वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो ये कसूर इन्हीं का ही है, ये हमारे सिर पे मत छोड़ो। जवाब देने के लिए कसूर इन्हीं के सिर पे जाएगा। और सुन लीजिए, चले गए लीजिए, इसके साथ साथ क्या अजय अजय जी कुछ कहने के वजह एक बार उनको भी शामिल कर लेते हैं आपके पास, अभी वक्त है हमारे पास, आएंगे इत्मीनान से बैठिए, आएंगे आपके पास। अजय जी कुछ कह रहे, फिर सवाल मेरा आपसे, कोई बात नहीं, मैं तो बैठा हूँ। हाँ जी, 2 घंटे बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखिये सुदेश, ये कई चीजें इस पर सोचनी, अल्टीमेटली जो मैंने पहले चर्चा की शुरुआत में कही थी, किसी ने भी कांग्रेस के लोग जयराम रमेश रहे, ये तो केवल डिगराज, शायद इनको मालूम नहीं कि जयराम रमेश जी गए चुनाव आयोग और उन्होंने अपील करी, और इसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के युवाओं का नुकसान। पर भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल ऐन मौके पर ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस समय पर ये टाइमिंग प्रत्यक्ष करेगा, हरियाणा करेगा, हरियाणा के युवा करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात से की दूध की दूली है? कांग्रेस ने 2014 में बिल्कुल अंतिम समय में आरक्षण दे करके इस प्रकार का बीज हरियाणा प्रदेश के अंदर बोया कि पूरे हरियाणा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हरियाणा प्रदेश जलाया था कि नहीं जलाया था, ये बात किसी से छुपी है क्या सुदेश? कि कांग्रेस ने अंतिम हरियाणा को जलाने वाली भाजपा की सरकार, और सुनिए सुनिए, उसको प्रकाश सिंह केवल डिगराजी में आपके बीच, उसको पढ़ो, क्यों नहीं होने केवल डिगराजी में आपके बीच में प्रकाश सिंह केवल डिगराजी में आपके बीच में आज तक केवल डिगराजी में गलत झूठी बात मत करें। डिबेट की मर्यादा होती है, झूठी बात मत करें। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट को उजागर करें, वो पढ़े, मर्यादा होती है, एक डिबेट की मर्यादा होती है। देखिए मैं भी जब अगर कुछ बोलना चाह रहा था, मैं प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों उजागर हुई है पूछ रहा हूं आपसे। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा था, मैंने हाथ उठा करके परमिशन मांगी एंकर से कि मैं कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं। उन्होंने जब मुझे आज्ञा दी मैंने तब बोलने का। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट उजागर हुई क्या होनी चाहिए? मैं तो आज भी कहता हूं, मैं तब भी कहता था,
और जननायक जनता पार्टी की तो सोच ये थी कि सभी तो चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। उसके अंदर लिखा हुआ खट्टर दोषी है, उसके अंदर लिखा हुआ खट्टर दोषी है। ये केवल डिंगरा क्या यहाँ चुपके से फाइल देखता है क्या? पाठ हमारे पास भी है भाई साहब। अरे पाठ उसका पाठ हमारे पास भी है, हमें पता है उसमें क्या लिखा है। अरे अरे सीआरपीसी और आईपीसी क्या कहती है? अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आप उसको छुपाते हो, आप भी बराबर के दोषी हो। देश का कानून कहता है, देश का संविधान कहता है, हमारी आईपीसी सीआरपीसी कहती है। यही तो कह रहा हूँ मैं भी। आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया, मैं कह रहा हूँ प्रकाश सिंह कह रहा हूँ। अरे मैं ये भी कह रहा हूँ, पता लग जाएगा किसने हरियाणा जलाया। अरे तो जिसने जलाया पब्लिक डोमेन में, हरियाणा जलाने वाली बीजेपी थी। अरे तो मैं कह रहा हूँ, अगर हरियाणा को बीजेपी ने जलाया और आपके पास सबूत है, पब्लिक डोमेन में ले आओ। लेकिन आज तो बात युवाओं की कर ले, आज तो बात कर ले, सबूत भी आ जाएंगे। चुनावी रण में सभी राजनीतिक दल हैं, उधर से मुद्दा उठाए भर्तियों का, एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या बात बन जाएगी? बात तो ये है नवीन जी। देखिए सुदेश जी, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि किसी ने भी क्या किया, छल किया, किसी ने भी किया, नुकसान हरियाणा प्रदेश के युवाओं का, मेरे युवाओं का, हरियाणा प्रदेश के बच्चों का हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? चाहे कांग्रेस चुनाव आयोग में गई और रोक लगवाने का काम करा, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने प्रोलोंग करके, जानबूझ करके, इसको लिंगर ऑन करके चुनाव में समय राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको लेट किया, तो भी नुकसान हरियाणा प्रदेश के युवाओं का है, भुगतान कौन करेगा इस बात का? यही सवाल नवीन जी मेरा आपसे भी है कि अब जो हो रहा है, बीजेपी के ऊपर आरोप कांग्रेस का कि एडवांटेज ले रहे थे आप चुनाव में इस तरीके से भर्तियों का रिजल्ट जारी करके, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है कि आप तो हमेशा से युवाओं के रोजगार के खिलाफ रहे हैं, आप तो भर्ती रुकवाते रहे, आपका तो काम ये है। अब युवा पूछ रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस से हमें क्या लेना देना, हम तो इंतजार कर रहे थे रोजगार का। देखिए सुदेश जी, मैं बड़ी शालीनता से डिबेट करने वाला आदमी हूं, पर भारतीय जनता पार्टी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम है। विदु को तो भगा दिया ना, वो तो चले गए आपसे नाराज होकर। नहीं, भगा दिया मतलब उनकी वो हर, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई आदमी शांति से अगर डिबेट करे उसको इंटरप्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का एक कैरेक्टर बन गया है और इनको ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है कि जब भी कोई आपके विरोध में बात करे उसको लगातार ट्रोल करो, उसको लगातार ग्रिल करो ताकि वो चुप हो जाए। और ये इस बात की तस्दीक आप दूसरे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वो कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, जेजेपी वाले बैठे हैं, उनसे भी कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये करना कहना चाहता हूँ सुदेश जी, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, सीएमईआई की रिपोर्ट कह रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो सीपीएलओ का जो सवाल उठाया था वो सवाल जायज सवाल है, मिनिमम वेजेस से कम पैसा देना। ये आप सोच के देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा फार्म भर देता है, 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो 6,000 रुपए में बिजली का बिल भरेगा या अपने माँ बाप को रोटियां खिलाएगा या अपने बच्चों की फीस दे पाएगा, क्या कर पाएगा वो बच्चा? दूसरी बात, जो सबसे खराब, घटिया, बेईमानी और मक्कारी वाली बात ये लोग करते हैं, कहते हैं जी भर्ती रोको गए। तो भाई साहब, फिर तो एक काम करना चाहिए, फिर तो आपको वोट ही नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके बस की तो बात है ही नहीं। फिर तो भर्ती गैंग तो अगले बार भी एक्टिव रहेगी, आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आप छोड़ ही दो ना। मतलब आपके अगर बस आपके इसी बात पर प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए फिर से। प्रोफेसर विधु जी, आपने सुना नवीन गौड़ कह रहे हैं कि अगर फिर तो आपके बस की बात नहीं रही, आप तो आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं, आप ये साबित कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे सत्ता में रहते हुए भी। मैं सुदेश जी, क्योंकि वक्त नहीं नवीन जी, आपकी बात हो गई पूरी, एक बार जवाब ले लें, फिर बात अधूरी रह जाएगी, बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर जिससे सवाल किया उसका जवाब ना आए तो। सुदेश जी, मैं मुझे भगाने की अभी काबिलियत जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में आई नहीं है, मैं डिबेट की जो एंकर है उनकी नाकाबिलियत की वजह से डिबेट छोड़कर गया था। नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, और बराबर मौका दिया, आप रहते दो बार बोलने, दोनों को एक साथ विधु जी, आप ये शब्द वापस से तो ज्यादा बेहतर होगा, दोनों को बराबर मौका दिया, दोनों को बराबर मौका दिया, बाकी दो मेहमान भी है, ये गलत बोल रहे हैं। नवीन जी आप चुप कीजिए, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, नवीन जी आप चुप कीजिएगा। प्रोफेसर विधु जी, बराबर मौका दिया, जब म्यूट किया तो दोनों को म्यूट किया, उससे पहले नवीन जी को म्यूट किया।
नहीं करना था। सुनो अब मैं बताता हूँ, महिला महिला अगर एक बार ये शब्द इनको म्यूट नहीं करना, प्लीज चुप कीजिए, म्यूट नहीं करना, डिबेट का टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं, बात का एंकर को ये समझना चाहिए कि स्ट्रेटजी है, वो मुझे बोलने से रोक रहा है और आप दोनों को म्यूट कर रही हैं। हाउ स्मार्ट ऑफ यू। नहीं नहीं नहीं, पहले नवीन जी को म्यूट किया, फिर जब आप दोनों ही दायरे से बाहर निकलने लगे तो दोनों को म्यूट किया। ऐसा मत कीजिए, जवाब दीजिए सवालों का। सुदेश जी एक एक मिनट आप मुझे बात करने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, पहले वो कर रहे थे अब आप कर रही हैं, मुझे बताने दीजिए। मैंने एक छोटा सा सवाल किया, मैंने भी इंटरप्ट किया था नवीन गौड को जब वो आपकी डिबेट के दो मिनट जो इस विषय पर नहीं था वो सीपीएलओ के बारे में बोल रहे थे कि 6000 की तनख्वाह होती है क्या। मैंने एक छोटी सी सवाल पूछा था, तथ्यात्मक सवाल था कि 4200 रुपए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। मुझे अच्छा लगता अगर आप मेरा सवाल मेरा जवाब नहीं दे, आप पूछ लेती इनसे कि पंजाब में 4200 ज्यादा है, हरियाणा में 6000 कम है। लेकिन आपने वो पूछने के बजाय आपने क्या शब्द का उपयोग किया, भगा दिया। चलो अब मैं सीधा डिबेट पर आता हूं क्योंकि सवाल खड़े किए हुए हैं। पहली बात तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के दौरान जो है एक प्रोसेस चल रहा है। जब हमने सरकार इनहेरिट की थी 2014 में, तब जेबीटी के 14,000 से अधिक बहुत बड़ी भर्ती थी, एक वो एक प्रोसेस चल रहा था जो कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोषणा रह गई थी, पूरा प्रोसेस हमने आकर 14,000 जो जेबीटी टीचर हैं उनको न केवल कांग्रेस के सरकार में जो सिलेक्ट हुए उसी सिलेक्शन को हमने ये आपने फुल स्क्रीन चलाया हुआ है ना, और इस व्यक्ति को रोज धोता हूं मैं डिबेट। नवीन जी ऐसी हरकतें मत कीजिए, देखिए मेरे लिए सभी बराबर है, मेरे लिए सभी मेहमान बराबर है और हम सभी को मौका देते हैं। विधु जी जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ऐसी हरकतें मत कीजिए। ऐसी हरकत मत कीजिए, ऐसी वो भी सम्मानीय है, सभी सम्मानीय है, आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्यों सोच रहे हैं, मतलब आप तथ्यों पर बात कीजिए ना। और जनता जनता शीशे की तरह देख रही है आपको, शीशे की तरह जनता देख रही है आपको, संभाल नहीं पा रहे हैं ये भगोड़े भगोड़े, इनको चुप करवाइए, मैं बोल दूं अपना पॉइंट। नवीन जी ये बहुत गलत है, आपको हम म्यूट कर रहे हैं, थैंक गॉड। थोड़ी देर में इनको खोल दिया कीजिए, ये डिबेट को डिस्टर्ब कर दें और फिर उसके बाद इसको बंद कर दिए ताकि दर्शकों के पास कुछ भी कंटेंट ना जाए। बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हैं आप, बहुत आप मेरी एंकरिंग पर सवाल उठाने के लिए आपको नहीं बुलाया, बहुत अच्छी, ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत अच्छा। दो मेहमान आपके पास अगर जवाब नहीं है तो मत दीजिए जवाब, अगर जवाब नहीं आप सीधा पंजाब जा रहे हैं, आप हरियाणा के लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे। विधु जी आप पंजाब जा रहे हैं, मैं सवाल हरियाणा का कर रही हूं, पंजाब जा रहे हैं सवाल हरियाणा का कर रही हूं, आपके पास नहीं आ रही, मैं आपके पास नहीं आ रही, आप हरियाणा के बारे में तथ्य जुटा लो, आप तथ्य जुटा लो और आ जाओ, ये तथ्य भले आप दूसरों की आपत्ति में सवाल नहीं उठाएंगे, आप तथ्य जुटा लो, हरियाणा का जवाब मुझे पता, सबको पता, जवाब नहीं आपके पास, डिबेट करवानी नहीं आ रही, नहीं नहीं आपके पास जवाब नहीं, रहने दीजिए आप इंतजार कीजिए, नहीं है जवाब तो आप पंजाब से हरियाणा में आए, सुन लीजिए केवल ठीक है जी, आपके पास नहीं 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 आप तथ्य जुटा लीजिए, वक्त है आपके पास, आप मेरे साथ बहस करने नहीं आए, मैंने तीन गेस्ट रखे, उनके साथ बहस कीजिए, आप शांत हो जाओ, तथ्य सुन लीजिए, शांत हो जाओ, तथ्य सुन लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, कैसे कह रहे नहीं है, आप मेरे बात पंजाब के मानदेय पर बहस नहीं रखी, पंजाब के मानदेय पर बहस नहीं रखी, जाति की बात ऐसे चिल्लाने से और अनर्गल बातें करने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो आपके राजनीतिक समकक्ष हैं उनके साथ बातचीत कीजिए, आपका पक्ष नहीं जाना देना चाहती, आप चाहती हैं उनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं देना चाहती आप, ये उनके साथ बात करने की, मेरा आखिरी सवाल केवल ढिंगरा जी आपसे, केवल ढिंगरा जी वो कह रहे कि आप भर्ती नहीं होने दे रहे, कांग्रेस का काम ये है, वो कह रहे कि भर्ती नहीं होने दे रहे, आपके जो वकील है चोला पहनकर कोर्ट चले जाते हैं, और विधु जी बिल्कुल ये बातें बर्दाश्त के बाहर है जो आप बातें करते ना, या तो तथ्यों के साथ आइए, उनके साथ बहस कीजिए, एंकर के साथ बहस मत कीजिए, बस बात है यहां पर साफ। चलिए केवल जी सुनिए, 16,000 जो जेबीटी बच्चे हमारे रहते हुए जिनको नियुक्ति पत्र रह गया था उसके ऊपर भी इन्होंने झूठ बोला, मैं आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं, ये गए थे कोर्ट में,
और उनके उंगली अंगूठों के निशान को चैलेंज कर दिया था। खट्टर साहब ने यह कहा था कि इनके उंगली अंगूठे के जो निशान है वो गलत है, उसको हमने वेरीफाई करना है, और वो सारी भर्ती रोकने का काम गए थे, तब कोर्ट में गए थे, और धीरे धीरे कोर्ट ने इनको फटकार मारकर उन सभी बंदों को रखने का काम किया और सारी भर्ती को ओके करवाया, इनको जबरदस्ती रखने पड़े। वो भर्ती को कैंसिल करना चाहते थे, खट्टर साहब जो है हुड्डा साहब के जितने काम थे उसको आते ही कैंसिल करने का काम कर रहे थे। आपको एक और बात बताता हूं, हमने जो कंट्रेक्चुअल थे जो हमारे हॉटरोन से भर्ती हुई थी सीओडी कर्मचारी, उनको भी हमने पॉलिसी बनाकर 3 साल के जो कर्मचारी, जो 3 साल के एक्सपीरियंस के कर्मचारी, उनको कच्चे से पक्का करने का पॉलिसी बनाई थी, उसको भी खट्टर साहब ने डिनाइड कर दिया उस समय। और ये जो धोखा किया था इन्होंने, वो भी कोर्ट में ले गए और उसको कोर्ट में भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। ये जो है बीजेपी, ये शरारत पूर्ण तरीके से गुजरात मॉडल को लाना चाहती थी और गुजरात मॉडल को लॉन्च भी कर दिया इन्होंने। इसको लिखा है HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2022, उसके ऊपर लिखा हुआ डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। इंप्लॉयमेंट नहीं देना चाहते थे, डिप्लॉयमेंट पॉलिसी बना रहे थे, उसको डिप्लॉयमेंट करके इन्होंने इंप्लॉयमेंट को भंग करने का काम किया इसी सरकार ने। ठीक है, आपके आरोप पर ये प्रोफेसर मिधु जी अगर जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर मेरे से बात करनी है तो बता दीजिए। सुदेश जी, सुदेश जी, सुने आपको, नवीन जी आपसे जवाब दे लेंगे। विदु जी बताइए, मेरे से बात म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट करवा दीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। नवीन जी म्यूट करवा दीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, नवीन जी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए और स्क्रीन से हटा दीजिए। ये तमाशा बहुत देखते हैं, दिल्ली से परेशान हो चुके हैं, दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है। ठीक है, आप बोलिए, कांग्रेस का जवाब दीजिए। देखिए, हाँ, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं जो कह रहे हैं आधा सच कह रहे हैं, कोर्ट में इस बात को लेकर गए थे कुछ अभ्यर्थी, हमने तस्दीक की थी। ये क्या हो रहा है, ये किसकी, आप कौन दिखा रहा है इनकी फोटो, ये क्यों दिखा रहे हैं इनकी फोटो, मुझे समझ नहीं आया। विदु जी आप जवाब दीजिए ना, सुदेश जी ये तरीका है, आप नैरेटिव क्या बोलेगा, आप ही तय करेंगे स्क्रीन पर क्या जाएगा, प्लीज आप अपना काम कीजिए ना। विदु जी समझिए आप बात को, हाँ, आप बात में वजन होना चाहिए, सुनेंगे आप, बात में वजन है, बात में वजन है, लेकिन स्क्रीन पर तमाशा दिखाना चाह रहे हैं, इसी लाइन पर रहिए, स्क्रीन पर तमाशा दिखा रहे हैं आपसे। हाँ, स्क्रीन पर तमाशा दिखाइए, मैं अपनी बात में वजन दिखाता हूँ अभी। 86,266 ये जो इन्होंने भर्ती जेबीटी की बताई ना, जिनकी ज्वाइनिंग हमने करवाई आकर, ये 86,266 थी। हम इनसे 1.5 गुना ज्यादा भर्ती, पक्की नियमित नौकरियां 1,38,606 नौकरियां दे चुके हैं, जिनकी पहली तनख्वाह भी आ चुकी है। इसके अलावा 1,20,000 से अधिक कर्मचारियों को, जिनमें 2 लाख बहुत खाली है, अरे भाई हाँ, 2 लाख आपके समय भी होंगे ना, बहुत सारे, हम आपने 86,000 भरे, हमने 1,40,000 में 2 लाख पद खाली है। अब सुदेश जी, सुदेश जी, ये तो फेर नहीं है ना, झूठ है ये, फेर है क्या, अब मैं बोलने लगा तो ये बोलने, मैं बोलते रहिए ना विदु जी, बोलते ऐसे नहीं होता, नहीं बोलिए ना, सुन रहा हूं आपकी आवाज, आपकी आवाज बंद नहीं है, आपकी आवाज जा रही है, बोलते जो जो मैं जो मैं आ जाएंगे जी आपके पास, जवाब ले लेंगे आपसे भी, केवल जी आपसे पूछ लेंगे। तो इनसे 1.5 गुना भर्ती ज्यादा करने के बाद, ये तो हो गई नियमित, इसके अलावा इनके खड़े किए हुए गेस्ट टीचर्स से लेकर, इनकी दी हुई पीटीआई टीचर्स को लेकर, उससे अलग ड्राइंग टीचर्स को पकड़ के, उसके अलग जो है ये ठेकेदारी में लुटवाया करते थे युवाओं को, हमने तो उनको भी जॉब सिक्योरिटी दे दी, 1,20,000 करके इतिहास बना दिया हरियाणा के अंदर। और उसके बावजूद भी अगर ये कहें कि भाई ये जो है हम पक्का करने की पॉलिसी बना रहे थे, दरअसल एक छोटी सी बात है, 2005 में कांग्रेस जो है गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की बात करके चुनाव जीतकर आई थी, 2006 के अंदर जो है हुड्डा साहब के घर के बाहर रोहतक के अंदर जो है 5,000 गेस्ट टीचर्स इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने घर के बाहर ओपन फायर किया, राजरानी नाम की गेस्ट टीचर को पॉइंट ब्लैंक पर गोली लगी थी, ये उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। उसके बाद गेस्ट टीचर्स जो है बहुत दिनों तक कर नहीं पाए, ये कब किसकी सरकार में होता था, हमने उन्हीं गेस्ट टीचर्स को जो इन्होंने वादा करके चुनाव जीता था, उनको हमने जाकर 2016 में उनको हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी, हमने उसके बाद उनके लिए पॉलिसीज बनाकर उनको धीरे धीरे नियमित किया। अब अगर उल्टी गंगा बहाना चाहते हो तो एक बात है, एक मिनिमम वेजेस की और बात हुई है, उस पर भी अगर आप मुझे समय दे तो मैं पूरा कर दूं। मिनिमम वेजेस की जहां तक बात है, जब 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के विरुद्ध, जो है कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमारे घोषणा पत्र में और सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में आता था कि पंजाब के समान वेतन देने का हम वादा करते हैं। आज के घोषणा पत्रों में पंजाब के में आता है कि
कि पंजाब कहता है कि हरियाणा के समान जो है वेतन देने के हम कर, ये 10 साल के अंदर जो है बदलता हुआ हरियाणा है जिसको आंख खोलकर देखने की जरूरत है। एक छोटी सी बात और मुझे कहने दीजिए, सिर्फ यही भर्ती नहीं, मैं वकीलों के नाम बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या, सिर्फ उनको भी मौका दे देते हैं, आपने कहा मेरे पास तथ्य नहीं है, अरे तथ्य नहीं है, अभी तो तथ्य फेंक रहा हूं मैं, एक के बाद एक तथ्य फेंक रहा हूं, सुन लीजिए एक और, एक और जवाब दे लीजिए, 2 लाख का वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 लाख का वादा, सुधीर जी आप पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना मेरी बात में, इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, सुन लीजिए अजय जी नवीन जी सबके पास एक अगर आएंगे 15 सेकंड सवाल पूछिए। देखिए देखिए सुनिए, हमारे टाइम पे सरकारी भर्ती 1.5 लाख हुई थी और इनके टाइम पे भर्तियां जो हुई है वो 86,200 हो गई है। इन्होंने सुनिए हुड्डा साहब ने खुद झूठ बोल रहे हैं, झूठ हाउस का झूठ बोल रहे हैं, झूठ 86,200 अरे नवीन 1.5 लाख ने कांग्रेस की तरफ बन गए का 1.5 लाख भर्ती हुई हमारे 86,200 भर्ती हुई हमारे टाइम पे सरकारी हुड्डा साहब के टाइम पे 25,000 उजागर करा जाता है, अरे भाई कोर्ट में लटक गई, विरोध में खड़े हैं, सुनिए सुनिए ये भर्ती देना नहीं चाहिए थे इन्होंने, एचकेआरएन के अंदर सुनिए, इन्होंने एचकेआरएन के अंदर हमारी 50,000 बंदे लगाए लेकिन वो नौकरी नहीं है, डिप्लॉयमेंट आपको पता है कितनी हुई थी, हुड्डा साहब के समय कितनी भर्ती हुई थी आपको नहीं पता, एंकर को नहीं पता क्या, मैं बताता हूँ अपना बैकलॉग बता दीजिए, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं बताता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस, रुकिए केवल जी रुकिए, फ्लोर ऑफ द हाउस, एक मिनट, फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है हुड्डा मैं बता रहा हूँ, सुदेश जी ऐसे मजा नहीं, बोलने में मजा नहीं, रुकिए सभी रुकिए, ऐसे मजा नहीं, सर विदुर रावत जी को मजा लेने के लिए आपको नहीं बुलाया पर, ये बहुत सारे मजा के शो हम भी नहीं देना चाहते, वहाँ जाइएगा फिर हम भी नहीं मजा देना, गलत जगह आ गए हैं, तथ्यों पर बात कीजिए, गलत जगह आप मुझे हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा के मुद्दे पर आइए, डाटा की बात करिए, आपकी ओरिएंटेशन दिख रही है, आपका झुकाव कहाँ दिख रहा है, आपका झुकाव दिख रहा है, दिख रहा है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हिस्सा मत लीजिए, थैंक यू, थैंक यू, माफ कीजिएगा, आप जा सकते हैं, आप ग्रीन करके चैनल के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, आप जा सकते हैं जी। नवीन गौड़ बोलिए, देखिए सुदेश जी जो इन्होंने जितनी भी बातें करी है मैं एक एक करके उन बातों का ना इनका भंडा फोड़ करना चाहता हूं। इन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि 1,30,000 कर्मचारियों को पक्का करा, सरासर झूठ बोल रहे हैं ये लोग, उसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ, कोई अध्यादेश नहीं आया, झूठ बोला हरियाणा के युवाओं को, झूठ बोला और हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा की जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने खामखार झूठ का एक पुलिंदा बांध के दिखाया। दूसरी बात, इन्होंने अभी 2 महीने पहले बोल रहे हैं 51,000 वैकेंसी निकाल दी, हमने 50,000 वैकेंसी निकाल दी। मैं सुदेश जी आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आज तक के हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस की सरकार भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, इन्हें लोग की भी रही, जेजेपी की, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी भर्ती जो निकली है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 महीने में पूरा करा गया हो, ये जानते हुए कि आने वाले 2 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, ये जानते हुए कि आचार संहिता लगने वाली है, ये सब कुछ जानते हुए कि चुनाव होने वाला है, इन्होंने फर्जी वैकेंसियां निकाली, वो फर्जी वैकेंसियां हैं, इन्होंने हरियाणा की जनता को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए वैकेंसी निकाली थी, इनको रिक्रूटमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई शौक नहीं है, ये केवल हरियाणा के नौजवानों को, हरियाणा के नौजवानों को 6,000 रुपए की दाढ़ी करवाएंगे, हरियाणा की जनता इस बार आप इनको बताने वाली है। सीएमईआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे है, इनसे सवाल पूछो तो हा करने लग जाते हैं, इनके पास किस जवाब नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पंजाब के समान वेतनमान, मैं आज भी गारंटी दे रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के, पंजाब के समान वेतनमान आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है, नहीं दे रही है,
नहीं दे रही है, और इनके आने वाले मैनिफेस्टो में अगर पंजाब के समान मेतनवान की बात नहीं होगी तो मैं मान जाऊंगा। इनका जो आने वाला मैनिफेस्टो है उसके अंदर भी इन्होंने दिल्ली और पंजाब के समान मेतनवान की बात करी पाएगी। तो इन्होंने तो अजय गुलिया जी आपकी पार्टी भी रही, जब सवाल पूछे जाते हैं रोजगार को लेकर, बेरोजगारी में हरियाणा के नंबर होने को लेकर जब आरोप लगाए जाते हैं तो सवाल जेजेपी से भी पूछे जाएंगे, भर्तियां इस वक्त में क्यों, 5 साल तक सरकार क्या करती रही और 10 साल तक बीजेपी की सरकार क्या करती रही। देखिए सुदेश जी, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ और मेरी पार्टी भी एक बात मानती है कि अथॉरिटी कम्स विद लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सरकार ने हमें 10 विधायक दिए थे, 17% वोट दिए थे, तो हमारा दायित्व भी बनता है, लोगों के अगर कोई सवाल है या आपके भी सवाल है उसका जवाब देना हमारा दायित्व बनता है। देखिए हम सरकार में 10% की हिस्सेदारी हमारी थी, हम लोगों ने काम किया, चाहे किसान के खाते में सीधा पैसे देने की बात हो। और देखिए आज कुछ लोग चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के और आरोप प्रत्यारोप भी होंगे कि भाई 3100 रुपये पेंशन आ रही है प्रदेश में, जेजेपी का क्या योगदान है उसमें। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश से लगते तो और कई प्रदेश है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी राज्य में मैं चुनौती देता हूँ 1500 से ज्यादा पेंशन नहीं है। हरियाणा में 3100 क्यों है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारा दबाव था उनके ऊपर। अगर 5100 रुपये पेंशन कर भी देते तो हम लोकसभा का चुनाव ही ना लड़ते, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए हम ये क्या करने को तैयार। लेकिन देखिए कई चीजें हैं, हम 10% की हिस्सेदारी में सुदेश जी क्या गुड डिलीवर हरियाणा प्रदेश के लोगों को कर पाए, हम और बेहतर करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 10% की हिस्सेदारी। जो अभी आज का जो हमारी बहस का विषय है, जो मुद्दा है कि ये जो भर्तियां हुई, विरोधी आरोप लगा रहे बीजेपी पर कि भाई आपने चुनाव देखते हुए सब कुछ किया है, आप ये प्रपंच रच रहे थे फायदा उठाने के लिए चुनाव में, लेकिन बीजेपी की भी तो अपनी दलील है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, अगर चुनाव की घोषणा 1 महीने पहले हो गई तो इसमें उनका क्या कसूर है? आपको लगता है कि प्रपंच था, जानबूझकर ऐसा किया गया? नहीं सुधीर जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं प्रपंच। मैं आपको एक चीज कहता हूं कि आपने लिंगर ऑन क्यों किया, पहले किसी और की सरकार की थी क्या कि आपने आते ही उस फैसले को रिवोक किया? आप ही की सरकार थी, आप 1 महीना पहले ये ला सकते थे, आप 1 महीना पहले ये ला सकते थे। और मैं तो एक बड़ा दिल करते हुए एक बात कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ ले भी रही थी तो कांग्रेस के जयराम रमेश को क्या जरूरत थी? हरियाणा के 50,000 युवाओं को नौकरी मिलती, हरियाणा के 50,000 युवाओं को नौकरी मिलती, जयराम रमेश को जाने की क्या जरूरत थी? क्या कांग्रेस ने कभी इस प्रकार का प्रपंच नहीं किया? कोई और भी करता आज नुकसान। देखिए अल्टीमेटली मैं एक राजनीतिक, मैं एक आम हरियाणवी के नाते बात करूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी एक आम हरियाणवी की पार्टी है, नुकसान किसका हुआ? हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नुकसान हुआ है, उनका भला हो सकता था, वो लोग नौकरी लग सकते थे। कांग्रेस ने जाकर के गलत किया और भारतीय जनता पार्टी ने लेट करके गलत किया, दोनों ने दोनों के फैसलों से, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक लाभ लेने के लिए फैसला हो, चाहे कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ लेने के से रोकने के लिए फैसला हो, जो वो कोर्ट में गए या चुनाव आयोग में गए, तो दोनों ही रूप में नुकसान तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का ही हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने तो लिंगर ऑन करके गलती करी, इसको लेट किया, इसको प्रोलोंग किया, और कांग्रेस पार्टी ने जब ये आ गया था तो इसके बाद चुनाव आयोग में जाकर के गलती की, नुकसान किसका हुआ? अजय गुलिया जी को आपने सुना, वो कह रहे कि बीजेपी तो अगर आपको लगता है कि वो फायदा उठा रही थी तो फिर आपने भी नुकसान किया युवाओं का, जयराम रमेश ना जाते चुनाव आयोग में तो रिजल्ट आ जाता, नौकरी लग जाती। देखिए चुनाव आयोग का एक असूल होता है, जब तक सरकार चलनी होती है तब तक ही काम होते हैं, चुनाव आयोग कैसे उसको कर देता? रूल भी तो होता है, कोई कानून भी तो है, इनको कानून पढ़ के आना चाहिए, समझिए मेरी बात। असल में सवाल ये है कि ये करना ही नहीं चाहते थे, ये ना जेजेपी भी नहीं करना चाहती थी। अरे भाई तू रुक जा रहा, तू रुक जा, तू मेरे को भी आता कानून, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ भाई, मेरे को मत बताओ, मेरे को भी कानून आता, लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरे को सब मालूम है, सब मालूम है मेरे को, ये कानून, एक मिनट रुक जा, सुन ले, सुन ले, रुक जा, मेरे मेरी भी सुन ले, रुक जा, सुन ले, मेरे को भी मालूम है, सारे जेजेपी के एमएलए रिजाइन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं रिजाइन? यमुना पार बचा रहे थे बीजेपी को, उसी की गोदी में बैठ गए थे। एक मिनट रुक जा, रुक जा, अभी है अपने पास वक्त, एक बार सुन लो फिर आप बोल लेना। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ, इनके इन्होंने इन्होंने
इन्होंने जाके यमुना पार पहुंचाना था बीजेपी को इलेक्शन के अंदर, जब 2019 में बात कर रहे थे उसी की गोदी में बैठ गए। तो लोगों ने इनको सबक सिखाना है, इनको भी है। अरे मोदी क्या होती है, के अंदर 1% वोट आई, मोदी क्या होती है, जनता से भी कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, अगर बीजेपी पार्टी हार रही थी तो आपने भी तो नुकसान किया युवाओं का, के विधायकों की तुम बैठे थे, आ रहा हूँ ना उसी पे आ रहा हूँ, रुको रुको इनको मैं उसी पे आ रहा हूँ। अरे कौन बैठे था 2009 में भाई, रुकिए जो विधायक, रुकिए भाई रुकिए, गाड़ी के चुनाव जीत के, रुकिए इनको फिर मैं कैसे बोलूंगा, नहीं 2009 में जो विधायक भूपेंद्र हुड्डा को रुको भाई बोलता रहो, जीत के आए थे, जनता तो फैसला करेगी ना, मत रुको। अजय गुलिया जी, केवल ढींगरा जी, एक एक करके बात की, आप सभ्य सभ्य तरीके से चर्चा में हिस्सा लें, मजाक बना के रख दिया डिबेट का, चर्चाएं ऐसे होती कि लड़ाई होगी तो ज्यादा टीआरपी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुद्दा आम लोगों से, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हरियाणा का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। अब बार बार तो बात करते बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, तो थोड़ा सभ्य तरीके से इस पर बात भी कीजिए। यही मैं विदु जी को बोलती कि आप तथ्यों के साथ बात कीजिए, यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सभ्य तरीके से तथ्यों पर बात कीजिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है, जवाब देने का मौका आपको पूरा दिया जाएगा। केवल ढींगरा जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं, जे इनके पास 10 साल थे, अगर नौकरी देनी होती तो HKRN 2022 जो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है वो क्यों बनाई, जब इंप्लॉयमेंट देना चाहते थे तो पॉलिसी बना दी डिप्लॉयमेंट की, वो गुजरात में बना रखी है और वही लॉन्च करी हरियाणा में, और ये भागीदार थे जेजेपी वाले, इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया 2022 के अंदर, जानबूझ के साथी दल बने हुए थे, असल में ये भी उनके भागीदार थे। हाँ। इनके MLA आज छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं, रिजाइन दे दे कर, चार तो हमारे पास आ चुके हैं। आज के मुद्दे से जुड़ी जो बात आपने कही डिप्लॉयमेंट वाली, ये मुद्दे की बात कर रहा हूं ना। हाँ, ये मुद्दे पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी बीच में उसके भागीदार थे। तो जवाब और आपको बताना चाहता हूं, जब जो पॉलिसी है ना, देखिए सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने देना, बोलिए पहले मेरी बात पूरी होने देना, सुनिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो इंप्लॉयमेंट देना चाहती थी बीजेपी, ना देना चाहती थी जेजेपी, इनके सबके अपने अपने आधार थे हरियाणा का पैसा लूटने के, 4.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ चुका हरियाणा पे, 60,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़ अपने अपने इंटरेस्ट थे, पैसा लूट रहे थे हरियाणा का, हरियाणा को नौकरी देने वाले ना ये थे ना वो थे, आपको बता रहा हूं, अभी इसी करके सारा मामला लटका रहा। और जो लास्ट टाइम आया उस समय खट्टर और नायब सैनी की, सुनिए, खट्टर और नायब सैनी की गुटबाजी थी, खट्टर और नायब सैनी की गुटबाजी थी, हाईकमान जो है इनके एंटी था, इसीलिए खट्टर साहब को हटाया, नायब सैनी को लेकर आए, वो खट्टर साहब के फैसलों का यूटर्न ला रहे थे। अजय गुलिया जी बोलिए, बताइए आरोप सीधा किया, आप भी तो सवाल तो सुनिए उसी तभी जवाब लीजिएगा ना, सत्ता में सरकार में हिस्सेदारी तो आपकी भी थी, रोजगार तो आप भी देना ही चाहते थे। सुनिए सुनिए, देखिए साहब के यूटर्न ले रहा था नायब सैनी, कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लगा, 60,000 बताया, जो इन्होंने 60,000 बताया वो अगर बिजली निगम का जोड़ दें, जो कि बेईमानी से और चोरी से उसके अंदर जोड़ा नहीं गया था, तो 1 लाख करोड़ बैठता है, मैं स्पष्ट कह रहा चाह रहा हूँ और कोर्ट कर रहा हूँ, इनके तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोर्ट करके कह रहा हूँ। अगर ये केवल ढींगरा ये कहते हैं कि ये लॉ ग्रेजुएट है, जो कि ये है नहीं, मैं जानता हूँ जो कि है नहीं, अगर ये लॉ ग्रेजुएट है, ये आपके पास सोशल मीडिया वहां पर कर लीजिए, न्यूज एटिंग की डिबेट तो मुझे कीजिए, निजी हमले मत, तो मुझ पर केस, ये मुझ पर केस कर दे, मैं कह रहा हूँ उसमें बिजली निगम का जो घाटा था वो जोड़ा नहीं गया था, वो 1 लाख करोड़ बैठता। और दूसरी बात, जननायक जनता पार्टी ने कभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार के लिए जब भी मौका मिला कभी बाधा बनने का काम नहीं किया। हम तो 75% का भी कानून लेकर के आए, वो आज कोर्ट में, पहले वो माननीय हाई कोर्ट में वो ठहरा, वहां से उसको थ्रू कराने का काम करा, फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ठहरा तो वहां से भी उसको पार ले जाने का काम करेंगे। हम तो 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का कानून बनाने वाले लोग हैं, आज हम पर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर वो 75% वाला कानून भी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए कहीं अटका, तो केवल ढींगरा और केवल ढींगरा की पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है, ये लोग उसके खिलाफ भी कोर्ट में गए। और मैं तो बता देना चाहता हूँ, इनके पूर्व में कोड ऑफ कंडक्ट में नौकरियां लगाने का सवाल है, भारतीय जनता पहले लगाते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट में नौकरियां लगानी थी, कोड ऑफ कंडक्ट में अगर हमने लगानी थी तो जवाब मैं देता, आज मैं सत्ता में होता, आज जननायक जनता पार्टी सत्ता में होती, अरे भाई आप कह रहे हो ना कोड ऑफ कंडक्ट में हम चैलेंज कर रहे,
कोड ऑफ कंडक्ट में नौकरियां लगती हैं क्या? हम तो, अरे हम तो इस बात के सख्त खिलाफ हैं। हम तो फिर इस क्या बात कर रहे हो कि बीजेपी ने प्रोलोंग करके हरियाणा, तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट में नौकरियां नहीं लगती। तुम क्यों गए? रूल है ये, कानून है। तुम अरे क्या कानून है ये? की कानून है? कानून कर रहे हो? क्या कानून है? कौन सी कोड ऑफ कंडक्ट में नौकरियां लगी आज तक बता दो। अरे भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश के पूरे देश में कौन सी स्टेट में कोड ऑफ कंडक्ट में नौकरियां लगी बताओ। अरे तब कानून कहां था? चलिए जनता देख लेगी कोड ऑफ कंडक्ट। जनता तय कर लेगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अब, हमारे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है। अब तो जनता के दरबार पहुंच गए हैं, चुनाव है और चुनाव में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनता पर कुछ बातें छोड़ दो, इंतजार कर लेते हैं 4 तारीख तक का, 4 अक्टूबर तक का। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभ्य तरीके से अगर बात की जाए तो सब सुनेंगे भी, समझेंगे भी और बात का असर भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो भर्तियों को लेकर राजनीति भड़की हुई है। बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने भर्ती रुकवाई है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस का कहना यह है कि चुनावी वक्त में जब आचार संहिता लग गई है, उस वक्त भर्ती का रिजल्ट जारी करके चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से बीजेपी ये काम कर रही थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने कह दिया कि जब तक चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं होते, भर्तियों का रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। तय करना जनता को कि कौन सही है, कौन गलत है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।